में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे भाई कैसे यहाँ मतलब ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं टूरिस्ट वगैरह का घर। मेरा सेकंड हैंड गाड़ियों का चैनल है, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ राजनांदगांव आया था छत्तीसगढ़ में, यहाँ बागेश्वर धाम जो मंदिर अभी एकदम अच्छी, पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे बहुत ही सौंदर्य के साथ दिख रहा है दृश्य, देखिए यहाँ का। और ये बागेश्वर धाम है, देखिए उसमें लिखा है श्री बागेश्वर महादेव सिद्ध पीठ मंदिर जी से लाला गोदावरी प्रसाद एंड ब्रदर्स ने सन 1946 सवता 2003 स्थापित किया। मैं मंदिर आपको अंदर पूरा दिखाने वाला हूँ, और साथ ही ये देखिए यहाँ अच्छे तरह से, ये देखिए यहाँ आपको घंटी जो यहाँ बनाया गया है अलग से, इसको मैं आपको नीचे का भी दिखाता हूँ, इतना बड़ा घंटी है जो देखिए, घंटी मैं आपको बजा भी दिखा देता हूँ, इसका मैं आपको नीचे से दिखाइए, नीचे से आपको क्लियरली यहाँ से दिखाता हूँ, एकदम अच्छे कंड में लग रहे हैं मंदिर, बहुत ही सौंदर्य देखिए, जिससे सबसे मोर एकदम नाइस बोलते हैं जैसे लुकिंग बहुत बेस्ट है। और सीढ़ी का देखिए कलर पूरा ए टू जेड मस्त कलर में लग रहा है। पहले तो मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगा, पहले नीचे चलते हैं। जैसे कि ये गेट भी देखिए आपको अच्छे से, जिस हिसाब से मंदिर है उसी हिसाब से यहाँ डिजाइन किया गया है अच्छे कलर में, और एक ही कलर में है गोल्डन कलर में। और आपको यहाँ का भी वो व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे जो है ये कुआं है, कुआं के जस्ट ऊपर में सीढ़ी है बागेश्वर धाम का, ये नीचे जो है कुआं है, और इसको भी मस्त से डिजाइन किया गया है, नीचे भी है और पीछे जस्ट भवन है यहाँ शादी पार्टियों करने के लिए। मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ, फिर नीचे यहाँ से जाने के लिए भी जगह है, तो मैं नीचे का पहले दिखाता हूँ आपको, यहाँ से नीचे होकर आना पड़ेगा आपको, ये देखिए यहाँ आप आ जाइए, देखिए यहाँ महादेव पार्वती मैया गणेश भगवान कार्तिकेय सभी का दिया हुआ है, यहाँ मस्त सौंदर्य दिख रहा है, देखिए यहाँ लाइट वगैरह भी, जैसे कि मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू, देखिए बागेश्वर धाम। मैंने यहाँ आया तो देखा तो यहाँ का वीडियो शूट कर लेता हूँ, आप लोग को भी पता चले कि यहाँ कितना अच्छा मंदिर बन चुका है, कि आप भी आओ तो यहाँ एक बार दर्शन कर ले। तो यहाँ से देखिए यहाँ साथ ही ये गेट देखिए, जो गेट का जो लुक देखिए कितना मस्त डिजाइन किया गया है, साथ ही यहाँ लॉक की सुविधा दी गई है, यहाँ आप लॉक करोगे तो लॉक, यहाँ मंदिर का जो है सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको अब देखिए यहाँ का भी जो देखिए यहाँ का बढ़िया सौंदर्य किया गया है, यहाँ भी लुक अच्छा दिया हुआ है, और ये दिखाई ये इसे जो बोलते हैं ये है स्थापना कक्ष है, ये स्थापना कक्ष करके यहाँ से अंदर आइए, तो चलो मैं बाहर का दिखाता हूँ। ये जो डिजाइन देखिए, ये जो डिजाइन दिया हुआ है ये सब भी लोहे का है, आपको लगेगा कि नॉर्मल है, देखिए और ये भी डिजाइन देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं, अच्छे से डिजाइन किया गया है, ये भी देखिए मस्त डिजाइन किया गया, और कलर एक ही है गोल्डन कलर में। अब चलो आइए हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको, कितना मस्त दृश्य है, मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ, ये देखिए कितना मस्त, ये देखिए जो पहले तो हम ये दिखाते हैं, ये कितना मस्त डिजाइन किया गया है, जब ये देखिए त्रिशूल डमरू रुद्राक्ष लगा हुआ है, कितना मस्त है, कितना मस्त दिख रहा है। और साथ ही आपको मैं बाहर गई, ये देखिए गणेश भगवान है, और आपको ऊपर जो ये लिखा हुआ ये है विष्णु भगवान है नारायण, और ऊपर उधर जो देखिए आपको शिवलिंग में दिखेंगे श्री घृढ़ेश्वर करके हैं, जूम कीजिए, श्री घृढ़ेश्वर महादेव है, श्री केदारनाथ है, श्री त्र्यंबकेश्वर करके है, फिर श्री काशी विश्वनाथ, मैं आपको और दिखाता हूँ इधर से, और इधर से श्री सोमनाथ है, श्री मल्लिकार्जुन है, श्री महाकालेश्वर है, श्री ओमकारेश्वर है, श्री वैद्यनाथ है, और भी जैसे कि श्री नागेश्वर श्री रामेश्वरम, और भी यहाँ से दिख नहीं रहे क्लियरली आपको, जूम करके भी मैंने दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ आपको कांच का भी जो अभी काम पूरा अधूरा ही है, कुछ कुछ काम हो ही रहा है, जैसे कि इसमें कांच का साइड का आपको जो खड़े हो बच्चों के लिए डर ना हो इसलिए अच्छा लुक दिया हुआ है, ये और लगेगा। मैं आपको अंदर से यहाँ महाराज जी से भी परिचय कराता हूँ, यहाँ का जो गेट का लुक देखिए इतना मस्त लुक के साथ है, और इसमें देखिए जो आपको कांच लगा हुआ है, और साथ ही मैं आपको मंदिर का वो व्यू दिखाता हूँ, और साथ ही यहाँ महाराज जी से पूरा यहाँ का जानकारी लेते हैं। प्रणाम महाराज जी, तो थोड़ा यहाँ मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। ये कब से मंदिर है? ये मंदिर सन 47 से
सन 47 से है। अच्छा इसकी स्थापना हुई है। हाँ 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 और ये आज 76 वर्ष परिपूर्ण हो रहा। अच्छा 76 वर्ष हो गया है। अच्छा बहुत ही जागृत स्थान है। हाँ 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 और अभी ये नया जीर्णोद्धार इसका हुआ है। हाँ हाँ बाकी मूर्तियां यथावत उसी स्थान पर है। अच्छा उसी स्थान में है, बाकी जो अभी बाहर जो बना है हाँ ये सब नया थोड़ा सा बना, अभी अभी न्यू बना हुआ। अभी न्यू बना। अच्छा अभी न्यू। और बाकी मूर्तियां यथास्थान पर, अच्छा बहुत सिद्ध बहुत जागृत मूर्तियां हैं। हाँ यहाँ कईयों की मनोकामना भगवान ने परिपूर्ण किया, अच्छा कईयों ने संतानों को भगवान ने उनकी गोद हाँ उठाया। हाँ जो जिस मनोकामना को लेकर आया हाँ महादेव ने उनकी सर मनोकामना को परिपूर्ण अच्छा। और भी यहाँ मंदिर का कुछ खास जो हो। मंदिर का कुछ खास, यहाँ पीछे बावी बनी हुई है। अच्छा हाँ बहुत दिनों से लोग नागराज रहते हैं। अच्छा अभी भी अभी है भी वहाँ। है, कभी यदा कदा लोगों को दर्शन देते हैं। अच्छा हाँ जिसके भाग्य में लिखा होगा जिसके उसको भाग दर्शन लिखा मिलता है ही है। वहाँ पीछे उनकी बावी बनी हुई है और हाँ वहाँ दोनों निवास करते हैं। अच्छा कई ना बार पहले हाँ मंदिरों में भी आए, यहाँ शिवलिंग पर लिपटे हुए पाए गए, हाँ हाँ अभी भी वो है। अच्छा हाँ अभी जैसे कि भी। ये मंदिर का और कुछ बताएंगे हमें आप। अब ये गणेश जी भगवान, हाँ गणेश जी ये गणेश भगवान। जी भगवान है। हाँ हाँ इनकी भी स्थापना उसी समय की है, सन अच्छा सैतालीस की। सन 47 और वो की। नंदीश्वर महाराज है, नंदेश्वर महाराज नंदेश्वर महाराज, ये बागेश्वर महादेव ये है। बागेश्वर महादेव ये ना वो बागेश्वर महादेव, बागेश्वर महादेव ये माता पार्वती मैया है, माता पार्वती मैया माता पार्वती मैया। और ये भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ जी हैं। वो हनुमान जी महाराज। ये प्रत्यक्ष हनुमान जी हैं। जागृत मूर्ति है वो अच्छा भी, जागृत मूर्ति जागृत है। मूर्ति वो अच्छा भी जैसे कि हनुमान जी। महाराज जी ने कहा ये जागृत मूर्ति है और उस पर जी ये विष्णु सीताराम भगवान, सीताराम भगवान है। ये गौ माता में सभी तीर्थ विराजमान है। अच्छा गौ माता का देखिए और इधर माता लक्ष्मी विराजमान है, माता लक्ष्मी राज उधर फिर इससे शिव महादेव परिवार। यहाँ गणपति बापा, गणपति बप्पा है और यहाँ इधर राधा कृष्ण महादेव राधा है, कृष्ण जी हैं। और बाबा भैरवनाथ आपके पीछे। अच्छा बाबा भैरवनाथ। और अभी इस वर्ष हाँ हाँ मंदिर के ऊपर दीवारों में द्वादश ज्योतिर्लिंग विराजमान किए अच्छा गए, ज्योतिर्लिंग। आप देखे होंगे हाँ द्वादश हाँ ज्योतिर्लिंग आप इधर भी देखे। देखिए हाँ ये ऊपर का है। ये झूमर लगा हुआ है बहुत ही अच्छी। इसका लाइट जलता है हाँ महाराज जी यहाँ जलता से है, जलता है लाइट, आपको बहुत लाइट के सुंदर साथ सा दिखा देता हूँ। ऊपर का झूमर देखिए मंदिर का झूमर है, मंदिर का झूमर भी। बागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा बागेश्वर महादेव सिद्ध पीठ मंदिर। हाँ और इधर आरती भी लिखा हुआ है त्रिगुण शिव जी की आरती करके आपको जूम करके। देखिए लाइन से पूरा नीचे तक दिखाते हैं। बाकी पीछे भवन वगैरह महाराज जी। भवन पीछे अच्छा भवन, जिसको जैसे हाँ जिसको चाहिए। शादी हाँ विवाह के हाँ उपलक्ष्य में लेना चाहते। और मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ, अच्छा आचार्य अनिल महाराज जी। आचार्य अनिल महाराज जी ने। हाँ अच्छा आचार्य अनिल महाराज जी, मैं प्रधान पुजारी हूँ। अभिषेक, रुद्राभिषेक, नमक चमक पाठ, अच्छा महापूज्य, अनुष्ठान वगैरह, हाँ हाँ 11, 21, 51 ब्राह्मणों द्वारा जो जिसकी जैसी इच्छाएं होती हैं आप करवाते हैं। अच्छा सांस्कृत विधि से, सनातन विधि से सब हाँ कार्य संपन्न किए जाते हैं। अच्छा और ये 47 से ही अभी हाँ रहने सन 47 सन से। 47 से। तो चलो आइए बाहर का भी व्यू देखते हैं। हाँ बाहर का देखिए भैया, ऊपर द्वादश ज्योतिर्लिंग का हाँ जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया बाहर के भी महाराज जी ने भी बताया ये सन 47 से। और यहाँ पीछे जो खास है नाग नागिन का जोड़ा रहता है जो कभी कभी भाग्य में किसी के उसको दर्शन भी मिलता है। यहाँ का व्यू दिखा दिया और घूमर भी अच्छी एकदम मस्त है यहाँ का देखने लायक जगह है। और पीछे का भी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको सब घूमने लायक जगह। और सभी में जो लिखा है देखिए ओम नमः शिवाय करके सभी में लिखा है जो मंदिर का वो बना है और जैसे उसमें सभी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और बाकी घूमने लायक है राजनांदगांव में है बागेश्वर देव महादेव करके है बागेश्वर धाम। और साथ ही ऐसी करें कि और भी वीडियो ये मेरा चैनल तो सेकेंड हैंड गाड़ियों का था लेकिन आपको इसी के तरीके कहीं भी मैं जाऊँ तो आपको ब्लॉगिंग का भी वीडियो आपको मेरे चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बागेश्वर धाम आप जरूर आइएगा यहाँ का दृश्य देखने लायक।